अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग। आपकी होस्ट साइमा दुआ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ टू डिफरेंट स्मूदीज। पहली स्मूदी हम बना रहे हैं बनाना स्मूदी। इसके लिए हमें सिर्फ फ्रोजन बनानास चाहिए। बनानास के स्लाइसेस कट करके इसको अगर आप एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें तो ओवरनाइट इस तरह से हार्ड हो जाएंगे। इसके साथ फिर क्या है कि हमें एक्स्ट्रा आइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा आइस डालने से स्मूदी हमारी पतली हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। इसमें तकरीबन 1 कप मिल्क जाएगा। जी, इसमें 1 कप मिल्क चला गया और दैट्स इट। बहुत आसान सिंपल। अगर बहुत ज़्यादा थिक स्मूदी चाहिए तो बनाना ज़्यादा ऐड कर लें। ये बिल्कुल तैयार, देखिए गाढ़ी स्मूदी। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो और बनाना ऐड कर लो, मिल्क थोड़ा कम। बिल्कुल परफेक्ट स्मूदी, जस्ट मिल्क एंड बनाना। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। ये हमारी फर्स्ट स्मूदी रेडी। सेकेंड रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स बेरीज और बनाना स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए, जो मैं ले रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, आप एनी काइंड ऑफ बेरीज ले सकते हैं, पर मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, बनानास। अगेन ये तीनों चीज़ें फ्रोज़न हैं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आइस नहीं डालूंगी क्योंकि वो स्मूदी को पतला कर देगी। एंड योगर्ट, चिया सीड्स, सोक्ड चिया सीड्स। 1 टेबलस्पून चिया सीड को मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था तो वो इस तरह से हो जाते हैं। और पिस्ताशियो गार्निशिंग के लिए थोड़ा वाटर और 1/2 कप मिल्क, दैट्स इट। सो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी बनानास। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, जैसे 1/2 कप ऑफ वाटर, 1/2 कप ऑफ मिल्क एंड ये है 1/2 कप योगर्ट, दैट्स इट। ये तकरीबन 1 कप वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगेन सब चीजों को ब्लेंड करूंगी। ये सेकेंड बेरी स्मूदी हमारी बिल्कुल रेडी है। चिया सीड और पिस्ताशियो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। अगर आपको बीच में ही चिया सीड पसंद है तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे अलग से पसंद है चिया सीड, मुझे बिल्कुल उसको ब्लेंड करके उसका फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है कि मुंह में उसके चंक्स ऐसे आने चाहिए मेरे लिए। तकरीबन ये स्मॉल 2 टीस्पून मैंने इसमें चिया सीड डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। जैसे कि आपने देखा मैंने चिया सीड अलग से मिक्स किए हैं क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। अगर आप प्रेफर करते हैं कि बीच में चिया सीड डाल दें और सब कुछ ब्लेंड कर दें, सो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब ये लास्ट इंग्रेडिएंट पिस्ताशियो जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। जस्ट लुक एट द कलर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी वीडियो का और वो है टाइम फॉर द टेस्ट टेस्टिंग। सो पहले मैं टेस्ट करूँगी बनाना स्मूदी। दिस इज़ टू गुड। बिल्कुल गाढ़ी एंड स्मूथ एंड सिल्की एंड बिल्कुल ठंडी। एक्स्ट्रा आइस की वजह से अगर मैं ऐड करती तो वो पतली हो जाती। अभी बिल्कुल ये गाढ़ी स्मूदी बनी है और इसका टेस्ट, और एक्स्ट्रा शुगर नहीं है इसमें, इसलिए बहुत सुपर हेल्दी। अब ये बेरी स्मूदी, टू गुड। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़। अगर आपको अच्छी रेसिपी लगी तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई द रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर रेसिपी। बाय बाय।